ईडी की जांच की आंच अब कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक भी पहुंच गई है। आईएनएक्स मीडिया डील मामले में आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पी चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर एक बार फिर सवालों की बौछार होगी। एक बार फिर ईडी की चौखट पर अपनी बेगुनाही के सबूत देने पहुंचेंगे। एक बार फिर ईडी सवालों का पुलिंदा लेकर आज पी चिदंबरम के सामने बैठेगी और पूछेगी कि बताइए आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सच क्या है। दिसंबर में वैसे तो चिदंबरम से ईडी एक बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन बेटे कार्ति चिदंबरम से पिछले दो दिनों में हुए सवाल जवाब और इंद्राणी मुखर्जी के बयानों के बाद कुछ ऐसे सवाल बाकी हैं जिनका जवाब ईडी को जानना है। ईडी के अफसर चिदंबरम से जानना चाहते हैं, क्या वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लियरेंस दिलवाई थी? क्या इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से एफआईपीबी को पास कराने के लिए चिदंबरम की कोई मुलाकात हुई थी? और क्या चिदंबरम ने इंद्राणी और पीटर को बेटे कार्ति चिदंबरम के कारोबार में मदद करने को कहा था? ये सारे सवाल इसलिए होंगे क्योंकि आईएनएक्स मीडिया को चलाने वाली इंद्राणी मुखर्जी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा है कि दिल्ली के एक होटल में कार्ति चिदंबरम के साथ मुलाकात हुई थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लियरेंस दिलाने के लिए करोड़ों की डील हुई थी।